ब्रेक ब्रेकिंग में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। अगले एक घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। ब्रेक ब्रेकिंग में बात बड़ी खबर की करते हैं। जोबनेर के भोजपुरा गांव का ये मामला जहां पर बोरवेल में 11 साल का मासूम गिर गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बच्चे को अब ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल का गड्ढा बताया जा रहा है जिसमें बच्चा गिरा है। 11 साल का ये मासूम गिरा, खेलते खेलते यहां पर बोरवेल में गिर गया था। तस्वीर आपके सामने ये घटनास्थल की, ये बोरवेल है जहां पर देखिए अब जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार बच्चे को लकी को बचाने की कोशिशें चल रही है। 90 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है। 11 साल के लकी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। सबसे पहले कोशिश यही है कि उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए और खबर ये कि बोरवेल में गिरे बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और यहीं से जाहिर तौर पर उसे बचाने की जो कोशिश है, जो मुहिम है वो तेज होगी। तो पहला स्टेप जो होता है एसडीआरएफ या एनडीआरएफ का वही होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे भी उस बच्चे तक पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन उस तक पहुंचे, क्योंकि बोरवेल के अंदर गड्ढे की जो जाहिर तौर पर गहराई है वो 90 फीट है और यहां तक ऑक्सीजन का पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है नेचुरली तौर पर, और इसलिए उसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और गड्ढे को देखो बड़ा किया जाएगा। लगातार जो संसाधन वहां पर होने चाहिए थे, एसडीआरएफ टीम उन तमाम संसाधनों तमाम मशीनों के साथ पहुंची हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर जेसीबी ही मशीन सिर्फ नजर आ रही थी। अब चूंकि जयपुर से पहुंच चुकी है जोबनेर के भोजपुरा एसडीआरएफ की टीम और लकी को बचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। 90 फीट गहरा है बोरवेल का ये गड्ढा। ये बच्चा खेलते खेलते जो खेत में बोरवेल था खुला हुआ बताया जा रहा है, एक पत्थर से ढका हुआ था, उसके हटने से वो गिर गया। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज का रुख हम करते हैं। अरबाज, आपके पास क्या जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जो समानांतर गड्ढा खोदने की प्रक्रिया है उसी को अमल में लाने के लिए फाइनल हुआ है डिसीजन, और जो एक बार कोशिश की गई थी उसमें एक बार बच्चा बता रहे हैं कि आया भी था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बैठ पाया पहला अटेम्प्ट, इस वजह से उसमें ज्यादा रिस्क लेने के बजाय उसके समानांतर गड्ढा किया जा रहा है और कोशिश ये है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को बाहर निकाला जाए, क्योंकि गड्ढा काफी गहराई तक खोदना होगा। 90 फुट की गहराई काफी मायने रखती है, तो फिलहाल कोशिश ये है कि टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए और समय रहते समानांतर गड्ढा खोजा जाए ताकि सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। अरबाज, कुछ मूवमेंट्स बच्चे की अभी तक दिखाई दी हैं? देखिए, बच्चे से कम्युनिकेशन किया गया है और बातचीत में बच्चा ठीक ठाक है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जिस तरह से उन्होंने उसको एक नॉट में लेकर के ऊपर खींचने की कोशिश की थी उसमें बच्चा आया भी था लेकिन वो पूरी तरह से नहीं आ पाया। तो अभी जो है कम्युनिकेशन किया जा रहा है बार बार और उसके फैमिली मेंबर्स के थ्रू आवाज दिलवा करके बातचीत करके उसको जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो इसकी कोशिश की जा रही है, अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की जा रही है। अरबाज, खबर ये भी थी कि ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाई गई है। देखिए, ऑक्सीजन पहुंचाने का तरीका वैसा नहीं है कि डायरेक्ट वहां से, वो ऊपर से ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बच्चा इस कंडीशन में नहीं कि उस तक सिलेंडर पहुंचाए हैं तो वो उसको मैनुअली ले सके, तो वो ऊपर से ही फ्लो जो है ऑक्सीजन का बढ़ाया जा रहा है ताकि नीचे जो ऑक्सीजन की कमी से कोई नुकसान बच्चे को ना हो। जी अरबाज, अगर आपकी बात हुई हो एसडीआरएफ की टीम से, तमाम जो संसाधन होने चाहिए मौजूद, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर पहुंचे हुए थे, जो वहां पर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें जेसीबी नजर आ रही थी, हालांकि एसडीआरएफ की टीम अब पहुंची है, तो उम्मीद करें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेजी आएगी। ऑपरेशन में तेजी आएगी लेकिन एक चीज अभी यहाँ पर नोट करने लायक है। हाँ। जो सिचुएशन हमें लग रही है कि जो इक्विपमेंट जितने हाईटेक होने चाहिए उतने नहीं है। ये ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए था। आप जेसीबी से गड्ढा कर रहे हो, ये एक तरह का बहुत पारंपरिक और पुराना तरीका है जिसमें बहुत वक्त लगेगा और उसमें भी डिसीजन मेकिंग में बड़ा टाइम लगा है। बार बार लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, परमिशन ली जा रही है और जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो पहले भी टीम ने ये इशारा दिया था करीब 2 घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो उससे सिचुएशन थोड़ी बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, देखिए करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है टीम को, और यहाँ पर सारी चीजों को सिचुएशन को असेसमेंट करके जब ऑफिशियली काम शुरू हो चुका था तो नतीजा आ जाना चाहिए था कुछ ना कुछ, लेकिन अभी गड्ढा जो है वो करने में 90 फुट तक उसमें मेन टाइम लगने वाला है,
उसको कितना स्मार्ट तरीके से किया जाए और क्विकली किया जाए, इसके ऊपर सारा ऑपरेशन अब डिपेंड करता है। अरबाज हमारे साथ बने रहिए। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो कैसे बोरवेल में गिरा है। ये लक्की नाम का बच्चा है 11 साल का, देखिए खेत में खेल रहा था और बोरवेल चूंकि एक पत्थर से सिर्फ ढका हुआ था, जो सही तरीका है उस तरह से नहीं ढका था, पत्थर से उसका पैर फिसला और सीधे वो बोरवेल में जा गिरा। 90 फीट का एक गहरा गड्ढा है और जाहिर तौर पर 90 फीट का जो गहराई है वो कम नहीं आकी जा सकती, लिहाजा सबसे पहले कोशिश यही है कि ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा सके ताकि इस जिंदगी को लकी को बचाया जा सके। अरबाज हमारे संवाददाता लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है लकी को बचाने के लिए, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज आप बता रहे कि पैरेलली एक गड्ढा खोदा जाएगा और उसके जरिए यहां पर लकी को बचाने की कोशिश होगी, कितना लगभग वक्त लगेगा पैरेलली गड्ढा खोदने में? खोदने में जो टीम का कहना है कि उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है, लेकिन जो मेन चीज है उसमें बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना है कि इस दौरान बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, मिट्टी तो कहीं नहीं ढह जाएगी अंदर बच्चे को, क्योंकि आप उसके बिल्कुल समानांतर एक ऐसी उचित दूरी पर गड्ढा खोदें जो नीचे तक जाए भी और जिस बोरवेल में बच्चा है वहां तक कोई उसका इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप स्ट्रेस या दबाव डालते हैं तो आसपास के इलाके में उसका फर्क पड़ता है और उसका नुकसान उस बोरवेल के अंदरूनी इलाके में हो सकता है जहाँ बच्चा मौजूद है। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसको बहुत तरीके से किया जाए ताकि कोई नुकसान बच्चे को ना पहुंचे। अरबाज क्या जो पैरेलली गड्ढा खोदा जाएगा वो भी उतनी गहराई का खोदा जाता है? जी बिल्कुल, ये टेक्निक है जिसमें एक गड्ढे में बच्चा है, दूसरा उसके समानांतर खोदा जाता है और वो क्विकली इसलिए खोद लिया जाता है क्योंकि बच्चा नीचे नहीं होता है तो वो उसको सीधे खोद करके फिर उसके बराबर की गहराई पर पहुंच करके उसके पास से फिर जो है जहां बच्चा होता है वहां अपनी अप्रोच बनाते हैं और वहां से बच्चे को सिक्योर करके बाहर लेकर के आते हैं। ठीक है अरबाज, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए अरबाज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक कमी यहां पर नजर आ रही है, एसडीआरएफ की टीम तो मौके पर पहुंची है और उनका कहना है कि एक से डेढ़ घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा और कोशिश यही कि सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाला जाए, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हाईटेक होने चाहिए थे वो वहां पर नहीं दिख रहे हैं। पारंपरिक तरीका जेसीबी से गड्ढा खोदने का, उसमें काफी वक्त लगता है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है, 42-43 टेम्परेचर छू रहा है और ऐसे में उस गर्मी में इस तरीके के ऑपरेशन को पारंपरिक रूप से अंजाम देना जाहिर तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अच्छा नहीं है और एक कहा जा सकता है कि टाइम टेकिंग है। तो लिहाजा ये तमाम सवाल अब लगातार न्यूज 18 राजस्थान भी पूछ रहा है कि बोरवेल में बच्चे के गिरने की जो घटना है कोई पहली बार नहीं है, आप राजस्थान में इस तरीके के पहले भी मामले देख चुके हैं, राजस्थान ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से भी ऐसे पहले मामले हैं, तो आखिरकार बोरवेल को ढकने के लिए जो एक पूरा प्लान होना चाहिए वो तैयार क्यों नहीं किया जाता, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, या बच्चे की जिंदगी क्या प्रशासन के लिए मायने नहीं रखती, इस तरह के जो हादसे होते हैं उससे आखिरकार प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। आप देखिए जो परिजन हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं अपने बच्चे के साथ साथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता हीरा लाल भी जुड़े हुए हैं जो वहां पर मौजूद हैं और खुद वहां से हमें हर एक जानकारी दे रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम से संपर्क में है। हीरा लाल आपके पास क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? टीम के बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच चुकी है, चार घंटे का समय बीत चुका है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो दोनों मिलकर है संयुक्त रूप से बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। यहाँ पोकलेन मशीन भी बुला ली गई है ताकि अगर आवश्यकता पड़ी तो जो बोरवेल का गड्ढा है उसके बगल में एक गड्ढा बना के सुरंग बनाकर और उसमें से बच्चे को सहकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रही क्योंकि प्रयास ये किया जा रहा है कि जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से कोशिशें चल रही है ताकि लकी को बचाया जा सके और कम समय में बताया जा सके लकी, क्योंकि हीरा लाल आप बता रहे कि चार घंटे का वक्त पहले ही बीत चुका है। जी देखिए घटना घटने के बाद है जो जैसे ही परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी तो प्रशासन ने त्वरित गति से वहां मौके पे पहुंचा और प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को सूचना देकर बुलाया, एसडीआरएफ की टीम भी है जो क्विक रिस्पॉन्स दिखाते हुए मौके पे पहुंच चुकी थी और रेस्क्यू करने का जो प्रयास किया वो लगातार उनका जारी है, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच चुकी है, पोकलेन मशीन आ चुकी है, फिलहाल उनका प्रयास यही है कि जो बच्चे को जो बोरवेल जो गड्ढा है जिस पाइप में बच्चा गिरा है उसी को एक तार का जो कुंडा बना के और बच्चे को उसके पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर ये प्रयास असफल रहा उसके बाद पोकलेन मशीन की सहायता से बगल में एक गड्ढा खोदा जाएगा और उसमें सुरंग बनाकर जो एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जवान है उस गड्ढे में नीचे उतरेंगे और बच्चे को सकुशल बाहर लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल जो बच्चा है अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और हीरा लाल आप बता रहे कि कुंडे के जरिए बच्चे को खींचने की कोशिश चल रही है, खबर ये भी थी कि चूंकि अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि एक बार कोशिश हुई थी, बच्चा थोड़ा ऊपर भी आया था लेकिन पूरी तरह से ये टेक्निक सफल नहीं रही।
जी बिल्कुल, जो एसडीआरएफ की टीम थी उन्होंने ये प्रयास किया कि बच्चे को कुंदे में पकड़कर और उसको बाहर सकुशल निकाला जा सके, लेकिन बच्चा कुछ दूर तक आया भी, कुंदे को उसने पकड़ा भी और एसडीआरएफ के जो जवान थे जो टीम थी उसको रस्सी के सारे उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। इसके बाद अब जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोनों जो जवान है जो उनके अधिकारी हैं वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पोकलेन मशीन मंगाई गई है तो लगता है कि पोकलेन मशीन की सहायता से जो गड्ढा है उसके बगल में एक गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल जो बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है उससे लगातार बातचीत की जा रही है, परिजनों से भी बात करवाई जा रही है ताकि बच्चे को ढाढ़स बंधे, वो घबराए नहीं, और उसको ऑक्सीजन भी लगातार उसको पहुंचाई जा रही है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हिरल, आप बता रहे कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है, तो उम्मीद करें चूंकि एसडीआरएफ की टीम वहां पर अब पहले से मौजूद थी, एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची है, कितना वक्त लगेगा यहां पर इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम देने में? और एसडीआरएफ की टीम है वो इस मामले में कई बार है जो इस प्रकार की घटनाओं में उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और क्विक रेस्पॉन्स दिखाते हुए कई जगह है जो बच्चों को जो बोरवेल में गिरे थे उनको सकुशल बाहर भी निकाला है, तो उम्मीद यही जता रही है कि दोनों टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि अभी कोई समय निश्चित नहीं बताया जा सकता कि बच्चे को कितनी देर में बाहर निकाला जाए, लेकिन प्रयास उनका यह जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। हीरालाल, लेकिन देखिए चुनौती जाहिर तौर पर एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो पूरी तरह से ट्रेंड होती है इस तरीके की, जब हादसे होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है ताकि सकुशल जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके और बच्चे जो गिरते हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, चूंकि इस वक्त जो है गर्मी बेतहाशा पड़ रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो जाहिर तौर पर बहुत चुनौतियां टीम के लिए बढ़ जाएंगी। खबर यह भी थी, हीरालाल चूंकि अरबाज से बता रहे थे कि जो इक्विपमेंट हाईटेक होने चाहिए थे वो वहां पर मौजूद नहीं है। आप बता रहे कि एक मशीन पोकलेन मंगाई जा रही है, कितना वक्त लगेगा उस मशीन को आने में ताकि पैरेलल गड्ढा खोदा जा सके और उस बच्चे को सकुशल बताया जा सके? हीरालाल जी देखिए, इस प्रकार की घटनाओं में सबसे बड़ी समस्या है जो संसाधनों की आती है, क्योंकि कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, कई बार बोरवेल में जो बच्चे हैं वो गिर चुके हैं, उस दौरान जो प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं हो पाते जिसकी सहायता से वो बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। बाकी बाद में है जो प्रशासन है जयपुर से या अन्य स्थानों से जो संसाधन मंगवाया जाते, लेकिन यहाँ भी वही घटना देखने को मिली, जब बच्चा बोरवेल में गिरा स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण थे उन्होंने जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रयास किए लेकिन वो नाकाफी रहे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, एसडीआरएफ की टीम है जो संसाधन लेके मौके पे पहुंची लेकिन वो भी नाकाफी रहे। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम अब मौके पे पहुंची, पोकलेन मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था वो पोकलेन मशीन पहुंच चुकी है, लेकिन अभी दोनों जो टीमों के जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत करें कि बच्चे को किस तरीके से सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पोकलेन मशीन मंगाई गई तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर बोरवेल से बच्चों को रस्सी के सहारे नहीं निकाला जा सकता तो बगल में एक गड्ढा खोदा जाएगा, उसमें सुरंग बनाई जाएगी, उसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन हीरालाल जाहिर तौर पर पल पल जो बीत रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा परिजनों के लिए भी, वहां पर परिजन मौजूद हैं, आपने उनसे बातचीत की हो, किस तरह से वो इस पूरी चीजों को देख रहे हैं, क्या उन्हें उम्मीद दिख रही है एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम बेहतर करती हुई नजर आ रही, क्या कह रहे हैं वो लोग, किस तरह की भावना है इस वक्त उनके मन में? देखिए परिजनों का यही कहना है कि उनके बच्चों को सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उनको ने यही उम्मीद जताई है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो परिजन है उनसे भी बच्चे को लगातार बातचीत करवाई जा रही है तो बच्चा भी उनसे बातचीत कर रहा है लगातार, वो है बार बार बच्चा जो बीच बीच में है कई बार रो भी रहा है तो परिजनों द्वारा उनको डांट बंधवाया जाता है, तो परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि बच्चों को कैसा भी हो कैसे भी हो जैसे जैसे तैसे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। हीरालाल एक बात बताइए, जब ये हादसा हुआ उसकी कितनी देर बाद जो लोकल प्रशासन था वहां पर पहुंचा और कितनी देर बाद एसडीआरएफ पहुंची, कितनी देर बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, ताकि समझा जा सके कि कितने त्वरित यहां पर कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि एक पल जो बढ़ रहा है वो बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। हीरालाल जी बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है कि जब बच्चे खेत के पास है जो खेल रहे थे, इसी दौरान जो बोरवेल बना हुआ था जो गड्ढा बना हुआ था उसमें खेलते समय उस लक्की नाम के बच्चा उसमें गिर गया, जो आसपास में जो अन्य बच्चे थे उन्होंने परिजनों को सूचना दी, परिजनों ने तुरंत जो प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके की जो गंभीरता है मामले की उसको देखते हुए तुरंत मौके पे पहुंच चुके थे, उसके बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रयास किया लेकिन वो ना असफल रहे। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है एसडीआरएफ की टीम भी जयपुर से तुरंत मौके पे पहुंच चुकी थी और उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण थे उनकी सहायता से जो टीम प्रयास किया बच्चे को रेस्क्यू करने के, लेकिन वो अभी तक बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है।
देखिए लगातार न्यूज एटीन राजस्थान इस मुहिम के साथ है कि लकी को बचाना है और इस मुहिम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। घटना स्थल की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 8:30 बजे के लगभग यह हादसा हुआ होगा इस बच्चे के साथ, जब लकी 7 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। उसके बाद से करीब 1 से 1.5 घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए और जब एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ को ज्वाइन किया है तो उम्मीद यह है कि जल्द ही ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि जो लकी है उसकी मूवमेंट भी सुनाई दे रही है, उससे लगातार परिजन बात कर रहे हैं ताकि बच्चे को ढांढस बंधाया जा सके। लेकिन बहुत छोटा बच्चा है, 11 साल की उम्र है, इसलिए बीच बीच में घबरा भी रहा है, रो भी रहा है। सबसे पहला स्टेप तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने ये उठाया कि उस तक ऑक्सीजन पहुंचाई है। हालांकि एक बार कोशिश की गई थी रस्सी के जरिए उसे खींचने की और काफी हद तक वो सफल भी रहे, लेकिन पूरी तरह से बच्चा बाहर नहीं आया और इसीलिए अब ये मंत्रणा और एक मीटिंग की जा रही है अधिकारियों के बीच में कि अब अगला स्टेप क्या करना है। पोकलेन मशीन भी पहुंच चुकी है, क्या उसके जरिए पहला गड्ढा खोदा जाए और वो गड्ढा भी 7 फीट का ही खोदा जाएगा जिसके जरिए उस बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन तमाम चीजों में सुरक्षा मारक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वक्त मीटिंग चल रही है अधिकारियों के बीच में। हीरा लाल हमारे संवाददाता सुबह से लगातार इस बड़ी खबर पे हमें हर एक जानकारी दे रहे हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लकी को बचाना है मुहिम में लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां की और परिजन जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किल बड़ा वक्त, लेकिन उनका यही कहना है कि किसी तरह से भी सुरक्षित हमारे लकी को बचा लिया जाए। हीरालाल मीटिंग कब से चल रही है और कब तक स्टेप लिया जाएगा, जो कि एक एक पल एक एक मिनट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखिए गर्मी का मौसम है और तेज गर्मी है, टेम्परेचर भी करीबन 40 से ऊपर पहुंच चुका है और बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है तो जाहिर बात है कि जो बच्चे को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि नीचे घुटन भी महसूस होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। जो टीम है उनका लगातार प्रयास यही है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से जो ऑक्सीजन की कमी ना हो, पानी की आवश्यकता हो तो पानी भी पहुंचाया जा रहा है, भोजन के लिए बिस्किट भी पहुंचाया जा रहा है और बीच बीच में जब बच्चा घबरा रहा है तो परिजनों से भी बात करवाई जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो दोनों टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करके और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल सके। अमूमन चूंकि हीरालाल देखिए एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीम से आप भी संपर्क कर रहे हैं, चूंकि आप खुद वहां पर हादसे की जगह पर मौजूद हैं, कितना वक्त लगता है इस तरीके के ऑपरेशन को सकुशल अंजाम देने में? देखिए ये सब चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम के जो जवान होते हैं, जो सदस्य होते हैं, काफी वेल ट्रेंड होते हैं, उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है कि इस प्रकार की जो आपदा होती है उसमें किस तरीके से जो फंसा हुआ जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसको रेस्क्यू किया जा सके, काफी वेल ट्रेंड होते हैं। तो प्रयास यही होता है कि जल्द से जल्द वो उस जो रेस्क्यू जो रेस्पॉन्स है उसको दे सके और उसको सकुशल बाहर निकाल सके। यहाँ भी वही स्थिति है, दोनों टीमें संयुक्त रूप से मंत्रणा करें, जो अधिकारी है वो आपस में बातचीत करें किस प्रकार से बच्चे को बाहर निकाला जा सके क्योंकि जो बच्चा है वो काफी छोटा है और गर्मी का मौसम है तो उसे काफी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिए दोनों टीमों की यही जो प्रयास होंगे कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। चलिए नजर बनाए रखिएगा हीरालाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बच्चे को बिस्किट भी बीच बीच में दिया जा रहा है, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, जो कि गर्मी जो है हलक सुखाने वाली गर्मी है और लिहाजा इन चीजों का ध्यान रखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान पुलिस के बड़े खुलासे की। दरअसल योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी तादाद में करेंसी मिली है, 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, 1 किलो सोना मिला है। 7 से 8 लोगों को अब तक इस मामले में डिटेन किया गया है। अलमारी कौन से डिपार्टमेंट की थी इसकी जांच चल रही है। ये जो करेंसी मिली है उसमें 500 और 2000 के नोट हैं। विशेष टीम का गठन पहले ही किया जा चुका है। 2,31,49,000 की ये करेंसी। सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी करेंसी योजना भवन के बेसमेंट में क्या कर रही थी। सरकारी जो एक कहना चाहिए अलमारी थी उसमें इतनी बड़ी राशि कैसे पहुंची, क्या इसका उद्देश्य, ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश राजस्थान की पुलिस कर रही है। आनंद फानंद में कल आपने देखा पुलिस अधिकारी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि कैसे इस राशि को जब्त किया गया। चूंकि खबर ये है कि कई समय से ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं अलमीरा ये बंद पड़ी थी और इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई, जब इसे खोला गया तो वहां पर एक लैपटॉप और एक बैग इस अलमीरा में मिला और उस बैग में से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि और ये जो सोने के ब्रिक देख रहे हैं 1 किलो इसका भार, इसे भी अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर
एक बैग जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अपनी ईमानदारी जो छवि बना के वो रखते हैं उसका परिचय देने का काम करेंगे, और मुझे लगता है वो ईडी को तत्काल सूचना देंगे और ईडी भी इसकी जांच करे। हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि ईडी हमारे जैसे विपरीत विचारधारा के लोगों के ऊपर ही काम में ली जाती है, अब तो मामला सारा का सारा ईडी का बनता है। सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, और जो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के अधीन हो उनके डिपार्टमेंट के अधीन पैसे का मिलना, पैसे किसने रखे, किन अधिकारियों के कहने से रखे गए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले के अंदर भी सरकार दबाने की पूरी कोशिश करेगी और बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई करके इतिसरी करेगी। तो देखिए किस तरह से विपक्ष भी हमलावर है, सियासत भी तेज है, लेकिन सबके बीच में कई सवाल जिसका जवाब राजस्थान पुलिस को खंगालना होगा। इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। बहरहाल बात अब महंगाई राहत कैंप की करते हैं। महंगाई राहत कैंप का 27वां दिन आज है और अब तक 1,11,86,641 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। 5,10,35,882 गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 39,00,000 से ज्यादा 27 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन हुए। ये 10 फ्लैगशिप योजना है जो महंगाई राहत कैंप में चलाई जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है। निःशुल्क बिजली योजना में 66,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसी तरह से कृषि बिजली योजना में भी 7,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। फूड पैकेट योजना जो कि गरीबों के लिए लाई गई है, इसमें 73,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक 27 दिनों के अंदर हुए। मनरेगा योजना में 43,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और उसी की तर्ज पर चेरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, उसमें 3,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। पेंशन योजना में 36,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 27 दिनों के अंदर हुए हैं। जून तक ये महंगाई राहत कैंप चलेगा। पशु बीमा योजना में भी 61,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। चिरंजीवी योजना में भी 89,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। दुर्घटना बीमा योजना में भी 89,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हर दिन ये रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो अलग अलग जो योजना है उसमें लगातार रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है बढ़ रही है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री ट्वीट कर इसकी जानकारी भी बीच बीच में देते रहे हैं। न सिर्फ इसकी आंकड़े जारी करते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं अलग अलग जिले में जाकर उन कैंपों का अवलोकन करते हैं, लाभार्थियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किसी तरह की परेशानी आपको रजिस्ट्रेशन में तो नहीं हुई, कितने कार्ड आपको मिले हैं और क्या कितना फायदा इन योजनाओं के जरिए आपको मिल रहा है। दरअसल गहलोत सरकार का उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो महंगाई है उससे राहत इन कैंपों के जरिए मिल सके। और अब बात दौसा की, जहां एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दौसा जिला अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अमित शर्मा, कंपाउंडर दिनेश बैरवा, ईसीजी टेक्नीशियन शीतल सैनी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 17 मई को ढोलावास में 52 साल के यशपाल मीना नाम की व्यक्ति सांड के हमले में घायल हो गए थे, जिसे रात के समय दौसा जिला हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। पूरे मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही मानते हुए डॉक्टर अमित शर्मा सहित 3 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही दौसा के पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा ने भी एक जांच टीम गठित कर दी है। आया था 17 तारीख की नाइट को, उसको सांड ने टक्कर मार दी थी। वो पेशेंट रात को 3:30 बजे यहाँ पे आया था और पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया था। उसको ब्लेंड ट्रोमा एबडोमिनल इंजरी थी, उसके बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया। तो पेशेंट जयपुर जाके खत्म हो गया।
देखो ज़्यादा जानकारी में नहीं है, कोई ना कोई कहीं लापरवाही या कुछ रही होगी है। इस हिसाब में मेरे पास आदेश आए और इनके क्या जांच कमेटी नियुक्त करेंगे, उसके बाद में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे निदेशक। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के